हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम सीखेंगे कि लेजर्स क्रिएशन के पास जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उसको सुधारें कैसे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एक कंपनी में बनाए हुए तमाम लेजर्स को अगर हमें देखना है तो कहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला काम, यहाँ देखिए गेटवे ऑफ टैली पे मैं मौजूद हूँ, ठीक है। अगर आप लेजर्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कहाँ आना है, अल्टर पे आना है। ये जो अल्टर दिखाई पड़ रहा है ना, टैली प्राइम मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अल्टर पे आके आप एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर जब आइएगा तो यहाँ पर आपको लेजर दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये उस कंपनी के लेजर्स हैं, जो तमाम लेजर्स हैं इस कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। हमारी कंपनी का क्या नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं राजेश मल्टी स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप लेजर्स जैसे अल्टर पे आ गए, फिर यहाँ लेजर्स पे आ गए, तो यहाँ पे देख लीजिए आसिफ सी, एक्सिस बैंक देवरिया, कैपिटल अकाउंट, कैश, सीजीएसटी, तमाम लेजर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। कंपनी चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो यहां से कंपनी चेंज करने पे आते हैं, यहाँ पे F3 प्रेस करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कोई दूसरी कंपनी, ठीक है। तो दूसरी कंपनी इसलिए क्योंकि हम चेक करेंगे कि ये लेजर्स जो हमें नजर आ रहे थे वो दूसरी कंपनी में भी नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं। तो यहां से नीचे आता चला जाता हूं और यहाँ पे नीचे आकर के आनंद एंड आनंद एक कंपनी है, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो गई कंपनी आनंद एंड आनंद, ठीक है। और अब हमें अल्टर पे जाना है और अब फिर लेजर्स पे जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको दो ही लेजर दिखाई पड़ रहे हैं, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि पहले से बने होते हैं टैली में, इसे हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये पहले से बने होते हैं। इसमें इस कंपनी में कोई लेजर ही नहीं बना, बाहर आता हूं, ठीक है। इसी तरह से कोई और भी कंपनी अगर आप देखना चाहें तो F3 प्रेस करके और यहाँ से सेलेक्ट कंपनी पे चले चले और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि लेजर में हुई गलतियों को कैसे सुधारेंगे। तो पहले तो हमें कंपनी सेलेक्ट करना है राजेश मल्टी स्टोर, ठीक है। तो राजेश मल्टी स्टोर को सेलेक्ट करने के लिए F3 प्रेस कर, यहाँ पे देखिए राजेश मल्टी स्टोर ही है, तो यहाँ पे आके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी राजेश मल्टी स्टोर हाईलाइट होगी, ठीक है। और हाईलाइट होने के बाद क्या करना है, हाईलाइट होने के बाद हमें एक कंपनी को बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ से F3 प्रेस कर देता हूँ और आपको यहाँ पे शट कंपनी दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ शट कंपनी पे आ जाइए, नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए राजेश मल्टी स्टोर को चालू रखना है और आनंद एंड आनंद को बंद कर देना है। तो ये बंद कर दिया हमने। अब इसमें मौजूद तमाम लेजर्स में अगर कोई गलती हो जाए, जैसे एक लेजर मैं क्रिएट करके दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमें एंट्री पास करनी है परचेज बाउचर में, तो अभी परचेज बाउचर के लिए जो लेजर हमें बनाना है वो कैसे बनाना है, तो देखिए परचेज बाउचर में जाने के लिए हमें कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करना होगा और भी, तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी जो है हमारी वो हो गई डेटर पार्टी, ठीक है। यानी क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाने के बजाय हमने ग्रुप क्या सेलेक्ट कर लिया, हमने पार्टी तो क्रेडिटर ही सेलेक्ट की है लेकिन ग्रुप हमने उसमें डाल रखा है डेटर, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। टैली में इस तरह की एंट्रीज गलत मानी जाती हैं। अब ये हो गया। और यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है तो कीबोर्ड ले लिया, मान लीजिए 44 कीबोर्ड हमने यहाँ पे परचेस किए और एक कीबोर्ड पड़ा हमको 120 रुपए का, ठीक है। इसी तरह से 44 कीबोर्ड की कीमत यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए एक ही आइटम रखता हूँ और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर भी लगा लेता हूँ, सीजीएसटी हो गया, फिर यहाँ पे एसजीएसटी लगा लेता हूँ, ठीक है। पहले से ये लेजर हमने क्रिएट कर रखे हैं। अगर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा सिर्फ एक ही वीडियो से। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको नरेशन देना है, ठीक है। तो नरेशन अभी मैं छोड़ता हूँ, इंटरफेस करता हूँ। तो अभी हमको बात ये समझनी है कि जो लेजर हमने गलत क्रिएट किए उसको सही कैसे करना है, तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। अभी हमें कहाँ चलना है, अल्टर में चलना है और अल्टर में जाने के बाद लेजर्स में चलना है। आपको याद है हमने किस नाम से लेजर बनाया था, आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, सौरभ कुमार सी, यही था हमारा लेजर। और इसको हमें अल्टर करना है, अल्टर करना यानी एडिट करना, ठीक है। अल्टर में आ गए। अब यहाँ देखिए सन्ड्री डेटर हमने ले रखा है, यहाँ पे करना है क्रेडिटर, तो यहाँ पे कर लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, एस प्रेस करते हैं और यहाँ पे ग्रुप जो है सन्ड्री क्रेडिटर कर लेता हूँ, यही हमारा गलती हो गया था। एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, ये हमारा काम हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी लेजर सही कर सकते हैं, ये तो एक डेटर या क्रेडिटर पार्टी की बात है, आप कोई भी लेजर ऐसे ही सही कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप एंट्री पास करेंगे, जैसे वी प्रेस करके वाउचर्स में आ गया 20, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 मई की डेट आ गई है, यहाँ पे 1/5/2020 कर देता हूँ, यहाँ पर भी ये लिख लेता हूँ, ठीक है। एंटर कर दिया, अब ये यहाँ पे आ गया। अब जो हमने लेजर बनाया उसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। सौरभ कुमार सी यही था ना, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस करते हुए इसे करा लीजिए एक्सेप्ट और यहाँ परचेज अकाउंट, और अब यहाँ पे कीबोर्ड या जो भी आपका स्टॉक आइटम हो वो ले लीजिए। 77 आइटम हमने ले लिया, 120 रुपए का एक,
एंटर प्रेस किया और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर है तो वो भी ले लेता हूँ और यहाँ पर एसजीएसटी भी ले लेता हूँ, सीजीएसटी तो हो गया। एंटर प्रेस करके यहाँ पे चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं, एक्सेप्ट करा लिया तो ये हमारी एंट्री पास हो गई। अब यहाँ से दो बार डी प्रेस करके आप चाहे तो वो एंट्री देख भी सकते हैं, ठीक है। सौरभ कुमार वाली हमारी एंट्री थी, यहाँ पे ये ले लिया हमने। अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए और एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आई प्रेस करके आप प्रीव्यू देख लीजिए, ये आपका जो आपने एंट्री पास की थी उसका पूरा डिटेल है यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह की एंट्री आपने पास की है। तो बस यही तो है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। राजेश मल्टी स्टोर ये कंपनी का नाम है और जो सप्लायर है हमारा उसका नाम है सौरभ कुमार। राहुल वर्मा जी ने पूछा था ये सवाल, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।